अमदावाद की महत्वपूर्ण गतिविधियों पर एक नजर। अमदावाद में पण कोरोना ए मुकी माजा। एक दिवस में शहर में कोरोना 558 नवा केस आव्या सामे, जेमां शहर विस्तार 551 अने जिल्लाना 7 दर्दी सामेल। कोरोना थी वधु एक दर्दी नुं थयुं मृत्यु, ज्यारे सारवार बाद 464 दर्दी ने अपाय रजा, जेमां अमदावाद शहेरना 455 अने जिल्लाना 9 दर्दी सामेल। आ तरफ माइक्रो कंटेनमेंट झोन में थयो फेरफार, शहेरना 213 माइक्रो झोन में 5 विस्तार कराया दूर, जो कि सामे वधु 20 विस्तारों उमेरो पण थयो, जेथी माइक्रो कंटेनमेंट नो आंकड़ो 228 पर पहुंच्यो। चूंटणी बाद माइक्रो कंटेनमेंट में सतत थई रह्यो छे वधारो। नवा विस्तार में इंडिया कॉलोनी, मणिनगर, भोड़कदेव अने गोदाना सौथी वधु मकान अने लोकोनो थाय छे समावेश। तो कालुपुर शाक मार्केट में लोग सुपर स्प्रेडर साबित थई शके छे, कारण के अहीं वेपारी और लोग बेफाम बनी फरे छे। अहींथी शहेरना अलग अलग विस्तार वेपारी शाक लेवा आवे छे। मोटा भागना लोग मास्क विना ज खरीदी करता नजरे पड़ी रहा छे। अमदावादना कालुपुर रेलवे स्टेशन पर महाराष्ट्रथी आवता प्रवासीओने फरजियात कोरोना टेस्ट थई रहा छे। एसटी निगम बाद हवे रेलवे स्टेशन में पण एएमसीनी 3 टीम द्वारा कोरोना टेस्टनी कामगीरी करवामां आवी रही छे। अगाउ महाराष्ट्रथी आवता प्रवासीओना कोरोना टेस्ट थता न होवानी फरियादो उठी हती, जे बाद हवे फरजियात कोरोना टेस्टनी कामगीरी शुरू कराई। तो कोरोना ने कारण 2020-21 सत्र 2 महीना मोड़ू थयु। हवे कोरोना ने कारण शालाओ फरीथी बंद करवानी पड़ी फरज, ज्यारे सीबीएसई शालाओ में 1 एप्रिल थी नवा सत्रनो प्रारंभ करवा आप्यो छे आदेश। परंतु गुजरात बोर्ड की शालाओ में 2020-21 सत्र क्यारे पूर्ण थशे, धोरण 1-8 अने धोरण 9-11 नी वार्षिक परीक्षा क्यारे लेवाशे, तेने लईने शिक्षण विभाग द्वारा कोई स्पष्टता करवामां नथी आवी, जेथी वालीओ ओर मूंझवणमां मुकाया। अमदावादना कृष्णनगरमां लुखा तत्वोनो आतंक दिवसे ने दिवसे वधी रह्यो छे। आवारा तत्वोने अहीं पोलीसनो कोई ज डर न रह्यो होवानुं लागी रह्युं छे। कृष्णनगरमां ज्योति ज्वेलर्समां आवा लुखा तत्वोए आतंक मचाव्यो, तेमणे ज्वेलर्समां करी तोड़फोड़ अने दुकानदार पर हुमलो पण कर्यो। आ समग्र घटना सीसीटीवी कैमेरामां थई कैद, जो कि आ अंगे ज्वेलर्स मालिके तुरंत पोलीसने करी हती जाण, जेना पगले पोलीस घटनास्थळे पहोंचीने आगळनी कार्यवाही हाथ धरी। जो कि ધોળા દિવસે બનેલી ઘટનાથી વેપારીઓમાં વ્યાપક ફફડાટ। અમદાવાદના પાંજરાપુર સ્થિત એમરલ્ડ હોન્ડાના પાટિયા પડી ગયા છે, જેમાં ઠક્કર બંધુઓનું કૌભાંડ આવ્યું છે સામે। ઠક્કર બંધુએ 29,175 વાહન ખરીદનારાઓ પાસેથી આરટીઓ ટેક્સ ઉઘરાવ્યો તો ખરો, પણ ભર્યો જ નહીં। 1 જાન્યુઆરી 2016 થી 12 ડિસેમ્બર 2020 સુધી વેચાયેલા વાહનોનો ટેક્સ નથી ચૂકવાયો। ભાગેડુ ઠક્કર બંધુ ફરાર થઈ જતા શાહીબાગ શોરૂમમાં વાહન ડિલિવરી બંધ કરી દેવાઈ। અમદાવાદમાં એસઓજી ગાંજાના જથ્થા સાથે એક આરોપીની કરી ધરપકડ। આરોપી મોહમ્મદ આસિફ કુરેશી પાસેથી 6 કિલો 402 ગ્રામનો ગાંજો ઝડપ્યો। પોલીસે આરોપીને ઝડપી વધુ હાથ ધરી તપાસ। અમદાવાદમાં હોળી ધૂળેટી પર્વને લઈને પણ દોડાવાશે સ્પેશિયલ ટ્રેન। મુસાફરોની સુવિધા અને માંગને ધ્યાને રાખી 7 વિશેષ ટ્રેન દોડાવશે। અમદાવાદથી દિલ્હી, ઉત્તરપ્રદેશ અને ચેન્નઈ જતી ખાસ ટ્રેનો દોડાવાશે।